हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IGRMS भोपाल रिक्रूटमेंट 2021। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं IGRMS क्या है। IGRMS है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में है ये। ठीक है, इसमें क्लर्क की, ड्राइवर, इंजीनियर, स्टेनो कुछ पोस्ट निकली हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 12th Feb है 2021, और ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की, ये ट्रांसफर ऑन डेप्यूटेशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीनियर स्टेनोग्राफर, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, पे स्केल लेवल 6 है, कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, और ये डेप्यूटेशन या फिर डायरेक्ट दोनों ही से फिल हो सकती है। ठीक है, डेप्यूटेशन के लिए जो अपर लिमिट है वो 56 है और डायरेक्ट के लिए 35 है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है म्यूजियम एसोसिएट, 1 पोस्ट है, लेवल 6 है, 7 पे कमीशन में, लेकिन ये रिजर्व्ड है फिजिकली हैंडीकेप ऑर्थो के लिए। ठीक है, डायरेक्ट है ये, और इसकी जो अपर लिमिट है वो 30 है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की, नंबर पोस्ट 1 है ये, लेवल 5 है, अनरिजर्व्ड है, डायरेक्ट है, और अपर लिमिट जो है एज की वो है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, 1 वैकेंसी है, लेवल 4 है। ठीक है, ये रिजर्व्ड है पार्शली लो विजन के लिए। ठीक है, और ये डायरेक्ट पोस्ट है और इसकी जो एज है वो 25 ईयर्स है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क, 3 पोस्ट है जूनियर क्लर्क की। ठीक है, लेवल 2, 1 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी एंड 1 फॉर एससी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 26 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइवर के लिए है, 3 पोस्ट है, लेवल 2 है, 2 अनरिजर्व्ड है, 1 एससी पोस्ट है, डायरेक्ट है, और इसकी जो लिमिट है वो 23 से 30 ईयर्स है। ठीक है, 23 इज मिनिमम एंड 30 इज द मैक्सिमम। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, 1 वैकेंसी है, लेवल 6 है, अनरिजर्व्ड, डायरेक्ट, और 25 है मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए, सिंगल वैकेंसी है, लेवल 5 है। ठीक है, अनरिजर्व्ड, डायरेक्ट, और मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 ईयर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन, सिंगल पोस्ट है, लेवल 4, अनरिजर्व्ड, डायरेक्ट है, और मैक्सिमम लिमिट है, एज लिमिट है 35 ईयर्स। और लास्ट है सफाई कर्मचारी की, सिंगल पोस्ट है, लेवल 1 है, एससी रिजर्व्ड है ये, और डायरेक्ट पोस्ट है, और जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। ये तो इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जनवरी इसकी स्टार्टिंग डेट थी, और क्लोजिंग डेट है 12 फरवरी 2021। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अकाउंट ऑफिसर तो डेप्यूटेशन की है, स्टेनो इसके लिए मैट्रिक्स होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। ठीक है, 56 है डेप्यूटेशन के लिए और 30 है, 30 ईयर्स है डायरेक्ट के लिए। ठीक है, म्यूजियम एसोसिएट के लिए मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन सोशल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री। ठीक है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। स्टेनोग्राफर मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन एनी यूनिवर्सिटी एंड रिकग्नाइज बोर्ड, और जो इस टाइपिंग स्पीड है, शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, स्पेसिफिकली इंग्लिश में। ठीक है, एज लिमिट जो है 25 ईयर्स।
जूनियर क्लर्क के लिए 10th और इक्विवेलेंट 26 है इयर्स एज लिमिट। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और एज लिमिट है 25 इयर्स। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए ठीक है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईटीआई सर्टिफिकेट विथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस, इसकी एज लिमिट है 25 इयर्स। इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन अ लार्ज अंडरटेकिंग ठीक है और लार्ज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, और जो अपर लिमिट है वो है 35 इयर्स। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म फिल करके जो गिवन एड्रेस है उस पे सेंड कर दीजिए, और आपका फॉर्म जो है 12 फेब से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए ठीक है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन फॉर्म बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक, वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक और जो एडवर्टीजमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ के जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।